हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपनी पेन ड्राइव को फ़ोन से कैसे कनेक्ट करेंगे और जो फ़ोन में डाटा है वो हम अपने पेन ड्राइव में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या हमारी जो पेन ड्राइव में डाटा है वो हम अपने फ़ोन में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और फ्रेंड्स, आपको वीडियो पूरी देखनी है। और मैंने एक वीडियो और भी बना रखी है, अगर आपको नहीं पता कि हम कौन सी पेन ड्राइव यूज़ करें और कौन सी OTG किस में अच्छे से सपोर्ट करेगी, तो मैंने उस पर एक वीडियो बना भी रखी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रांसफ़र कैसे करेंगे हम, जो फ़ोटो होती है या वीडियो होती है वो हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। और फ्रेंड्स, फ़ोटो वीडियो अपने फ़ोन में या फिर पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करने से पहले आपको कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये है Type 2 जो नॉर्मल होती है OTG, वो है। कभी भी फ़ोन से पेन ड्राइव में अपने फ़ोटो या वीडियो डालनी है या कुछ भी ट्रांसफ़र करना है तो हमें OTG की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, ये OTG है, ये Type 2 OTG है, जो नॉर्मल OTG होती है वो ये है, और ये है हमारी Type C OTG, आजकल Type C चल रही है। और फ्रेंड्स, आपका फ़ोन भी OTG सपोर्ट करना चाहिए, तभी ये जो फाइल होती है वो ट्रांसफ़र हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। वैसे तो आजकल जितने भी फ़ोन हैं सब में OTG सपोर्ट का ऑप्शन आता है, OTG सपोर्ट करती है। अब देखिए, एक ये फ़ोन है वीवो ओप्पो MI जो हो गया, और एक हो गया सैमसंग। सैमसंग में और वीवो ओप्पो MI इस टाइप के जो भी फ़ोन होते हैं उसमें थोड़ा सा फंक्शन का अलग हो जाता है। क्या फंक्शन अलग होते हैं तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो वो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। ये फ्रेंड, सबसे पहले तो ये वीवो का फ़ोन है, इसमें मैं आपको OTG कनेक्ट करके बताता हूँ, ट्रांसफ़र करना उसके बाद बताऊँगा। तो देखिए, इसमें हम OTG में पेन ड्राइव लगा लेते हैं। पेन ड्राइव ऐसी होनी चाहिए जो फ़ोन में सपोर्ट कर जाए, कोई कोई पेन ड्राइव भी फ़ोन में सपोर्ट नहीं करती है। तो देखिए, इसमें ये कनेक्ट कर लेंगे यहाँ से। देखिए, मैंने लगा लिया है। अगर कवर आपने लगा रखा है तो एक बार कवर हटा दीजिए, कभी कभी क्या होता है कि कवर लगाने से ये OTG सपोर्ट नहीं कर पाती है और कनेक्ट नहीं हो पाती है ठीक से। तो ये वीवो का फ़ोन है फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये OTG इसमें लगा दी है। अब सैमसंग में क्या होता है, सैमसंग में जैसे हमने OTG लगाई है वो डायरेक्ट दिखा देगा। देखिए, इसमें फाइल मैनेजर में मैं चलता हूँ, तो देखिए डिवाइस स्टोरेज दिखा रहा है, इसमें मेमोरी कार्ड नहीं है, सिर्फ डिवाइस स्टोरेज दिखा रहा है इसमें। अगर मेमोरी कार्ड होता तो मेमोरी कार्ड का भी दिखाता। सैमसंग में होता है कि डायरेक्ट दिखा देता है, लेकिन ये जो ओप्पो वीवो MI या और भी इस टाइप के जो कोई फ़ोन होते हैं उसमें एक सेटिंग ऑन करनी पड़ती है। अब वो क्या सेटिंग ऑन करनी पड़ती है, देखिए सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए OTG का ऑप्शन दिखा रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए OTG का ऑप्शन दिखा रहा है, ये OTG का ऑप्शन आपको ऑन करना पड़ेगा। मैं इसमें फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से पता चल पाए। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही ऑन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर ली है ताकि आपको अच्छे से पता चल पाए। देखिए, ये सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में देखिए फ्रंट में आपको OTG का ऑप्शन दिखाई देता है, ये ऑफ था, मैंने ऑन कर लिया। अगर आपके फ़ोन में ऑफ़ है तो आप इसको पहले ऑन कर लीजिए, ऑन करने के बाद ही आपके फाइल मैनेजर में OTG का ऑप्शन दिखाएगा। देखिए, मैंने ऑन कर लिया है, तो अभी फाइल मैनेजर दिखाता हूँ, जो माई फाइल जहाँ पे सारा स्टोरेज दिखाता है फाइल मैनेजर। तो देखिए, यहाँ पे लोकल डिवाइस पे ऑन कर लेते हैं, तो देखिए OTG का ऑप्शन दिखा रहा है। मेमोरी कार्ड नहीं है, अगर मेमोरी कार्ड होता तो उसका भी ऑप्शन दिखा देता है। अब मैंने जैसे कि आपको सैमसंग में बताया है कि सैमसंग में ऑन नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट ही दिखा देता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि OTG है मैक्सिमम Type C जो होती है वो सही से सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो आप अलग अलग चेंज करके एक बार देख सकते हैं, कहीं आप सोचे कि हमारे फ़ोन में खराबी है या हमारी पेन ड्राइव ख़राब है और OTG सपोर्ट नहीं कर रही है। मेनली सैमसंग में ही प्रॉब्लम आती है कि ये OTG सही से सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो पेन ड्राइव और OTG आप एक बार चेंज करके देख सकते हैं सैमसंग वाले फ़ोन में। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसफ़र कैसे करेंगे हम फाइल। ये तो हमने खोल लिया है कि हमारा वो नीचे OTG दिखा रहा है, ऊपर हमारा डिवाइस दिखा रहा है, और ऊपर जो डिवाइस दिखा रहा है उसका हमें डालना है अपनी OTG में, मतलब पेन ड्राइव में। तो हम ये डिवाइस स्टोरेज अपने ओपन कर लेंगे, जो भी हमें डालना है। मान लीजिए, देखिए जैसे दिखा रहा है DCIM, इसका मतलब होता है कि इसमें जो है वो फ़ोटो मिलेंगी आपको, सारी स्क्रीनशॉट हो गया, कैमरा हो गया, इसमें सारी फ़ोटो रहती हैं। अगर फ़ोटो आपको ट्रांसफ़र करनी है तो आप फ़ोटो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये मैंने एक फ़ोटो कोई भी क्लिक कर ली है, इसमें आपको दिख रहा होगा एक ब्लू कलर का टिक आ गया। अगर सेलेक्ट ऑल करेंगे, देखिए ऊपर सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, जो जितना भी आपको करना है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मुझे एक फ़ाइल करनी है अगर, तो देखिए यहाँ से अगर हम कॉपी का ऑप्शन आप लास्ट में देखेंगे तो कॉपी का ऑप्शन दिखा रहा है। कॉपी का मतलब वो फ़ोन में भी रहेगा और पेन ड्राइव में भी चला जाएगा। और कट करेंगे अगर, सेकंड ऑप्शन कट है, कट अगर करेंगे तो वो हमारा फ़ोन में नहीं रहेगा, वो पेन ड्राइव में चला जाएगा। इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या तो कॉपी कर लीजिए या कट कर लीजिए। मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ, तो देखिए मैंने कॉपी करा यहाँ से, ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब इसमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बैक चले जाना है आपको, ये बैक कर लेना है। अब वापस देखिए यहाँ पर OTG का ऑप्शन दिखा रहा है नीचे, इस पर क्लिक करना है। और जिस भी फाइल में आपको ट्रांसफ़र करना हो, या आप नया फोल्डर भी बना सकते हैं इसमें, या ऐसे ही अगर आपको ट्रांसफ़र करना है, इसको मैंने ओपन करा और देखिए यहाँ पे लास्ट में दिखा रहा है पेस्ट का ऑप्शन, जो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा पेस्ट का ऑप्शन। अगर आपको किसी फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है तो फोल्डर ओपन कर लीजिए, उसके अंदर पेस्ट कर लीजिए। अगर नहीं करना है तो डायरेक्ट OTG में ओपन ही
आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये मैंने पेस्ट कर दिया, इसमें देखिए लास्ट में ये फ़ोटो दिखा दिया है, इसमें ये हमारा कॉपी हो गया है, मतलब अभी ये फ़ोन में भी है और ये पेन ड्राइव में भी चला गया है। ऐसे अगर आपको फ़ोन से डिसकनेक्ट करना होगा तो आप फ़ोन से कट कर दीजिए और पेस्ट कर दीजिए पेन ड्राइव में, तो आपका वहाँ से फ़ोन से कट हो जाएगा और पेन ड्राइव में आ जाएगा। और फ्रेंड्स ऐसे ही आपको अगर अपने ये पेन ड्राइव से फ़ोन में करना है तो वैसे ही प्रोसेस होगा। ये देखिए मैंने OTG खोल लिया, अपने पेन ड्राइव खोल लिए यहाँ पे, और ये देखिए ये जो मैंने फ़ोटो है ये मैंने यहाँ से कट कर दूँगा, मैं यहाँ से कट करना मैं आपको बता रहा हूँ, कट करने पे यहाँ से डिलीट हो जाएगा और हमारा ये फ़ोटो फ़ोन में वापस चला जाएगा। देखिए ये फ़ोन स्टोरेज मैंने खोल लिया है, तो कैमरे से मैंने ये फ़ोटो उसमें ट्रांसफ़र किया था और मैं इसमें ही वापस भेज दूँगा। तो देखिए ये पेस्ट, और ये देखिए रिपीट सम ऑपरेशन, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया था, मैंने कट नहीं किया था, तो ये मांग रहा है रिप्लेस करने के लिए, तो रिप्लेस कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे यस कर दिया मैंने, फ़ोटो तो वह एक ही रहेगा आपका जो आपका होता। और अगर हमें फोल्डर ही पूरा ट्रांसफ़र करना होगा तो हम वो कैसे करेंगे, मान लीजिए डिवाइस स्टोरेज इसमें जो भी पूरा फोल्डर होगा वही हमें पूरा पेन ड्राइव में डालना होगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं, बस ऐसे ही क्लिक करिए जैसे मैंने इस पर क्लिक करा है और ये ब्लू टिक आ गया है इसमें, और यहाँ से आप कॉपी या कट जो भी करना चाहते हैं करके आते हैं यहाँ से करके, और आप पेस्ट कर दीजिए यहाँ पेन ड्राइव में, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए तो वो फोल्डर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।